सो हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक हमारा चलने वाला है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। ओके, तो लेक्चर नंबर वन है हमारा। तो वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जेनेटिक्स के, जो मोस्टली हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कहीं से भी हमारा टर्मिनोलॉजी उठाकर दे दिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि माइटोजन क्या है, ठीक है, म्यूटेजन क्या है। तो आप लोग पता होना चाहिए कि आखिर टर्मिनोलॉजी होता क्या है, आखिर कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज होते हैं जेनेटिक्स में। देखिए, जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टर्मिनोलॉजी बहुत ही सारे हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है कि भाई साहब टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज आते हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊँगा। ओके, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीन क्या होता है। ओके, मैं आपको एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कलर वाइज दिखाऊंगा आप लोग को। ओके, अंडरलाइन करके दिखाऊंगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले जीन क्या होता है, तो देखिए जीन जो होता है आनुवंशिक गुणों की इकाई को जीन कहते हैं। ये मोस्टली हमारे इंपॉर्टेंस से जो हमारा जीन होता है वो हमारा आनुवंशिक जो गुण होते हैं, जेनेटिक्स जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, इनकी जो इकाई होते हैं, इनकी जो बेसिस होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं जीन कहते हैं। ये जो हमारे होते हैं ये गुणसूत्र के क्रोमोनीमा पर डीएनए की बनी गांठों के रूप में पाई जाती है। ये क्या होता है, देखिए आप क्रोमोसोम्स तो जानते ही हैं, इस प्रकार से हमारा क्रोमोसोम्स होता है। ओके, तो इस क्रोमोसोम्स में हमारा एक क्रोमोमियर होता है। क्या होता है, क्रोमोमियर होता है, इधर एक ऐसे बूंदी बूंदी स्थान पर हमारा क्रोमोमियर होता है। तो इन्हीं क्रोमोमियर पर हमारे डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। इसी डीएनए पर क्या होता है, हमारा जीन होते हैं। ओके, इन्हीं डीएनए पर हमारा जीन होता है। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ये आनुवंशिक गुणों की माता पिता संतानों से, ठीक है, माता पिता से संतानों में गुणसूत्रों के माध्यम से जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये मोस्टली पॉइंट्स है कि ये जो हमारे होते हैं जीन से, ये हमारे माता पिता के गुणों से, ये हमारे आनुवंशिक जो कैरेक्टर होते हैं माता पिता के, उनके माध्यम से संतानों में गुणसूत्र के माध्यम से जाते हैं। यानी जीन जो होते हैं ये गुणसूत्र के माध्यम से पेरेंट्स से, यानी कि माता पिता से, बच्चों में जाते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला हमारा है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो आपने समझा कि जीन क्या होता है, तो अगला हमारा आता है कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। ओके, तो देख लेते हैं क्रोमोसोम्स क्या होता है। तो गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली धागों के समान रचनाएं हैं। यानी कि जो क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं ये हमारे गुणसूत्र, जो हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, ओके, ये हमारे एक समझ सकते हैं कि हमारे जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं एक धागे नुमा संरचना, उसी को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये रचनाएं कोशिकाओं में केवल विभाजन के समय दिखाई देती है। बिल्कुल बात सही है कि हमारे ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स का जो डिवीजन होता है, जैसे माइटोसिस होता है, तो उस समय क्या होता है, क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला है कि विश्रामावस्था में ये उलझे हुए धागे के रूप में केंद्रक के अंदर दिखाई देते हैं। एक प्रकार से समझ सकते हैं, इस प्रकार से हमारा केंद्रक होता है, तो इस प्रकार से हमारे धागे नुमा से उलझे हुए होते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा इसके बाद दिया गया अंदर दिखाई देते हैं जो क्रोमेटिक कहलाते हैं। बिल्कुल, ये जो धागे नुमा जो संरचना हमारी होती है उसी को हम क्रोमेटिक भी बोलते हैं। अगला हमारा एलील्स और एलोमोर्फ्स। यानी एलील्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्रोमोसोम्स में एक जोड़ी हमारे एलील्स भी पाए जाते हैं। तो एलील्स क्या है, एक देख लीजिए, एलील्स क्या है, तो एक ही गुण के दो विभिन्न पर्यायी रूपों को सख्त करने वाले, ओके, सख्त करने वाले कारकों को एक दूसरे की एलील्स या एलोमॉर्फ कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे एक ही समान के जो गुण होते हैं, ओके, इन गुणों को रखने वाले जितने भी कारक फैक्टर होते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं एलील्स। अगला देखते हैं, अगला हमारा आता है होमोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या होता है कि जब एक ग्रुप को व्यक्त करने वाले दोनों कारक या एलील या एलोमॉर्फ या युग्म विकल्पी एक समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी टी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, क्योंकि ये समान है। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, समान होता है।
एक ही सामान के जब दो कैरेक्टर होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। होमोजाइगस का मतलब समान, होमो का मतलब क्या, समान, इसी को होमोजाइगस बोलेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मेहनत लग रहा है आप लोगों को समझाने में। चलिए ठीक है, होमोजाइगस हो गया आप लोग को। तो जब युग्म, जब एक ग्रुप को व्यक्त करने वाले दोनों कारक या एलील या एलिलोमार्फ या युग्मविकल्पी एक समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, तब इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, समयुग्मजी अवस्था बोलते हैं। समयुग्मजी हिंदी में बोलते हैं समयुग्मजी। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है एक जोड़ी युग्म विकल्पी के दोनों कारक जो हमारे फैक्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारा कैपिटल टी है स्मॉल टी है, या फिर स्मॉल टी है और कैपिटल टी है, ये जो हमारे कारक है ये क्या है, हमारे अलग अलग है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग नहीं होगा, कैपिटल टी और अलग स्मॉल टी अलग है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी अवस्था को, इसी कारक को हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस फैक्टर। अगला देखते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो हमारे होते हैं, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो, संरचना की जो बाह आकृति को हम फिनोटाइप कहते हैं। आप तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाह आकृति को हम फिनोटाइप कहते हैं। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है जीनोटाइप। क्या आता है हमारा जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है, जीवों का आनुवंशिक संगठन या जीन संयोजन को जीनोटाइप कहते हैं। यानी कि जो जीवों की जो आनुवंशिक जो संगठन होता है, ओके, तो उसी को ही हम बोलते हैं जीनोटाइप। आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा आता है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब एक समान समझ लीजिए कि बौना। हेटरोजाइगस में दो जो हमारे कॉन्स्ट्रैक्टिंग जीन्स होते हैं, जब उनके मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उनमें से केवल एक लक्षण स्पष्ट रूप से उपस्थित होता है, जिसे हम प्रभावी या डोमिनेंट कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक मान लीजिए हमारे एक कैपिटल टी है और एक हमारा स्मॉल टी और स्मॉल टी है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये दोनों इनमें क्रॉस कराएंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों प्राप्त होगा। इनमें से ये जो हमारा स्मॉल टी है ये क्या हो गया, हमारा डोमिनेंट हो गया, तो इसी को डोमिनेंट बोलेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अगला हम देखेंगे हमारा रिसेप्सिव क्या होता है। रिसेप्सिव क्या होता है, जब दो कंस्ट्रक्टिव जीन के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है तथा एक लक्षण छुप जाता है तथा स्वयं को F2 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है, यानी अपने आप को प्रदर्शित करता है, इसी को रिसेप्सिव कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए कैपिटल टी है कैपिटल टी, स्मॉल टी, या फिर एक प्रकार समझ लीजिए कि कैपिटल टी है और मल्टीप्लीकेशन स्मॉल टी है, तो इनमें जब क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये जो हमारा कैपिटल टी है अपने आप को प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित करें यानी कि अपने आप को बताएगा कि भाई हम मैं ही हूँ बलवान हूँ, तो इसी को बोलेंगे रिसेप्सिव, क्योंकि ये अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा। और ये जो हमारा जो छुप जा रहा है इसको डोमिनेंट बोल देंगे हम, समझ रहे होंगे। ओके चलिए ठीक है, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ अच्छे से। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम। अगला आता है हमारा जाइगोट। जाइगोट एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखिए अनिषेच अंडाणु या बीजाणु को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, जो निषेचित होते हैं हमारे। ओके, जो निषेचित हमारे जो अंडाणु होते हैं, फर्टाइल अंडाणु होते हैं या फिर जो बीजाणु होते हैं, उन्हीं को हम जाइगोट बोलेंगे। अगला देखते हैं गैमेट के बारे में। आखिर गैमेट क्या होता है, वे विशेष कोशिका जो एक लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं, गैमेट या युग्मक कहलाती है। यानी कि मान लीजिए कोई भी कोशिका है, कोई भी कोशिका जब आपस में मिल जाती है, अभी मान लीजिए मैं आपको इसी की एग्जांपल में समझाऊंगा, स्मॉल टी है तो ये जब क्रॉस कराया जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, तो इसी को जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्राप्त हो रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, गैमेट बोलेंगे। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन की बात है कि कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, जायगोट में भी उसी प्रकार से हो जा रहा है, रिसेप्सिव में भी हो रहा है, डोमिनेंट में भी हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ फैक्टर काम करते हैं, उसी के माध्यम से इनको टर्मिनोलॉजी दिया गया है। ओके ध्यान दीजिएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा आता है मोनोहाइड्रिक हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक समझिए हमारी भाषा को समझिए कि अपने ही समान लक्षण वाले पौधों में जब आपस में क्रॉस कराया जाता है
तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड्स क्रॉप्स कहते हैं। ओके, यानी देख लीजिए कि वह क्रॉस जिसमें एक जोड़ी कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के जेनेटिक क्रॉस का अध्ययन कराया जाता है, किसी एक जोड़ी के कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के जेनेटिक क्रॉस को अध्ययन जब करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे एग्जांपल के लॉन्गेस्ट एक्स ड्यूरेशन। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम अगली वीडियो में देखेंगे अगली वीडियो हमारा क्या होने वाला है। ओके, धन्यवाद।